नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम् भावानुसारेण सदा नराणाम् शास्त्र कहते हैं ये जितने भी तीर्थ है फल कैसा देते हैं, बोले भावानुसारेण सदा नराणाम्। जैसा मनुष्य का भाव होता है उसी भाव के आधार पर ही जीव को फल मिलता है। आजकल आप सब देखते हो तीर्थों में बड़ी भारी भीड़ लगी है। वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, कुंभ में जाओ, बड़ी भारी भीड़ लगी है। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं इसको भीड़ नहीं कह सकते, ये तो भगवान के भक्त है। भीड़ भक्तों की थोड़ी होती है, भीड़ तो आलतू फालतू होती है। पर यहां आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बड़ी भारी भीड़ लगी है? तो बोले ये जितने लोग तीर्थों में आते हैं ना, ये खाली भीड़ करने के लिए, देखने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए, मतलब मनोरंजन करने के लिए। उनका भाव कोई तीर्थ में जाकर के अपना पाप धोना, सेवा करना, दान करना, पुण्य करना, ये नहीं होता। आजकल लोगों का विचार होता है चलेंगे टाइम पास कर लेंगे, घर में बैठे बैठे ऊब गए, चलो कहीं चलते हैं थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। और इसके बारे में एक प्राचीन उपाख्यान भी मुझे याद आया है। एक बार कहते हैं बड़ा भारी कुंभ का मेला लगा था, बड़ी भारी लोगों की भीड़ लगी थी। भगवान शिव पार्वती भी मनुष्य के वेश में आकर के कुंभ मेले में भक्तों का दर्शन कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। तो पार्वती ने सहसा अनायास ही भगवान शिव जी से पूछ लिया कि हे शंकर भगवान, जब इतने इतने लोग देखो यहाँ पर सब पाप धोने के लिए आते हैं, तो फिर इन सब का कष्ट दूर क्यों नहीं होता, ये सब भक्त सुखी क्यों नहीं होते? तो भगवान शिव बोले देखो पार्वती, ये जो लोग आए हैं ना, ये पाप धोने के लिए नहीं आते, ये तो अपना मनोरंजन करने के लिए आते हैं। इनमें से किसी के मन में ऐसा भाव नहीं है कि हमारे पाप धुल गए, हम पवित्र हो गए, गंगा का दर्शन करके जीवन धन्य हो गया, ऐसा भाव नहीं है किसी के मन में। तो पार्वती जी के मन में विचार आया, नहीं भगवान ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान शिव जी ने एक खेल रचाया। भगवान शिव बोले पार्वती, मैं जो कहूं वैसा करो, अभी पता लग जाएगा। तो भगवान शिव एक बूढ़ा सा ब्राह्मण बन गए और पार्वती को बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बनवा दिया, एक गड्ढा बना लिया, गड्ढे में गिर गए और कहने लगे पार्वती रोवो चिल्लाओ। समझा दिया पार्वती को। अब पार्वती रोने लगी, हाय मेरे पति गड्ढे में गिर गए, कोई बचाओ कोई बचाओ, हाय मेरे पति गड्ढे में गिर गए कोई बचाओ। इतनी भारी भीड़ लगी थी, लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे, अरे क्या हुआ, बोले मेरे पति को निकालो। और कोई जब निकालने को तैयार होता तो पार्वती कहते सावधान, मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरे पति बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इनको हाथ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि पापी मनुष्य का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि आपने जीवन में एक भी पाप न किया है तो आप मेरे पति को निकाल सकते हैं।
तो वो विचार करता, नहीं नहीं मैं तो पापी हूँ, तेरे पति को नहीं निकाल सकता, चला गया। हाय मेरे पति को बचाओ, फिर रोने लगी। फिर कोई दूसरा आया, निकालने लगा। पार्वती बोली, सावधान होकर के मेरी बात को सुन लो, यदि मेरे पति को निकालना है तो पूर्ण रूप से आप पवित्र होंगे, अपवित्र मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकते, पापी तो नहीं है। तो वो भी सोचने लगा, मैं तो पापी, वो भी चला गया। जो भी आता पार्वती यही बात पूछती, कहीं आप पापी तो नहीं है। कोई भी निकालने को उद्यत नहीं हुआ, क्योंकि सबके मन में मैंने ऐसा पाप किया है, मैं भी पापी हूं, मैंने ऐसा पाप किया है, मैंने ऐसा, सबको ऐसा विचार आता। एक ने भी भगवान शिव के हाथ नहीं लगाया। शाम हो गई और सायंकाल को एक ब्राह्मण आया, बोले मैं तेरे पति को निकाल दूंगा। तो वही पार्वती ने शर्त बताई, मेरे पति को वही निकाल सकता है जो पूर्ण रूप से निष्पाप है। आपने जीवन में एक भी पाप किया तो मेरे पति को हाथ मत लगाना। तो वो ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे ब्राह्मणी, मैंने बहुत पाप किए, हाँ मैं पापी था, पर मैंने सुना है कि गंगा में जो एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा गंगे तियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुज्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। जब मैंने सुना कि विष्णु लोक जाता है, बड़ा भारी पापी होते हुए भी गंगा स्नान करके निष्पाप हो जाता है, तो मैंने अभी गंगा में स्नान किया, पर गंगा स्नान करने के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पापी नहीं हूं और तेरे पति को गड्ढे से निकाल सकता हूं। जैसे ही उस ब्राह्मण का वचन सुना, सुनते ही भगवान शिव और पार्वती वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, देखो पार्वती, विचार करो, इतने 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 लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पर किसी के भी मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैं निष्पाप हो गया, गंगा स्नान करके मैं पवित्र हो गया, किसी के मन में भाव नहीं है। इसीलिए मैं तेरे को कहता हूँ पार्वती, कि ये सब मनुष्यों के मन में कोरा दिखावा है, ये सब पाप धोने के लिए नहीं, ये सब मनोरंजन करने के लिए आते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी दुखी आ रहा है। क्यों? बोले सेवा करता है, पूजा करता है, दान करता है, पुण्य करता है, सेवा शुश्रूषा यज्ञ आदि कर्म सब कुछ करता है, पर करता केवल दिखावे के लिए है, मैंने ऐसा किया है। इसलिए हे पार्वती, ये जो मैंपन है, इस मैंपन में ही उसके सारे पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, मैं आपको ठीक तरह से समझा रहा हूं कि कर्ता अकर्ता फिर भी भगवान करता है, भगवान ही करते हैं, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी भगवान ही करते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को जो कुछ भी करना है करो जरूर, पर कर्तापन का अभिमान मिटा देना चाहिए। बोले मैंने नहीं किया है, करने वाला तो हरि है। क्योंकि मेरे भाई बहनों, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, करने वाला केवल केवल और केवल एक हरि है। इसलिए संत महापुरुषों ने लिखा है, करणहार करतार है तू क्या करसी बंदा। करने वाला कोई और है। मेरे भाई बहनों, कर्तापन का अभिमान मिटाइए और कुछ भी करें तो पूर्ण विश्वास रखो कि मैं
आज मेरे पाप धो रहा हूँ। इसी से जीवन धन्य होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कमेंट भी करते रहना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बताते रहिए। प्रेम बनाए रखिएगा। सभी मित्रों को राधे राधे, राधे राधे।